और वहीं कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच शुरू हुई लड़ाई अब हर पार की होती जा रही है, मगर इस लड़ाई में बॉलीवुड की ये क्वीन महाराष्ट्र के किंग कहे जाने वाले महाराष्ट्र की सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है, जिससे शिवसेना के खिलाफ बॉलीवुड से कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस शिवसेना को कंगना ने अकेले बैकफुट पर ला दिया, जिसके बाद शिवसेना के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कंगना का एल्गार। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? बुलडोजर से नहीं डरेगी, मर्दानी खूब लड़ेगी। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। एक तरफ अकेली कंगना और दूसरी तरफ पूरी उद्धव सरकार, उनकी पुलिस, उनकी मशीनरी, उनकी बीएमसी। कंगना ने मुंबई पुलिस पर सवाल क्या खड़े किए? उनसे बदला लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पूरा तंत्र लगा दिया। पहले शिवसेना नेता ने कंगना को गाली दी। आप क्या हो, हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए। फिर शिवसेना की शह पर बीएमसी ने बुलडोजर से घर ही गिरा दिया, लेकिन फिर भी कंगना का जोश और जज्बा कम नहीं हुआ। सिर्फ इतना है, आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। फिल्मी पर्दे पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने वाली कंगना महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सचमुच मर्दानी बनकर खड़ी हो गई। कंगना ने अकेले ही शिवसेना और उसके नेताओं को बैकफुट पर धकेल दिया। ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उनसे पंगा लेने पर कंगना का दफ्तर जरूर तोड़ा, मगर कंगना का हौसला नहीं तोड़ पाई। घर जाते ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ यलगार का ऐलान कर दिया। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, हर हर महादेव। जाहिर है कंगना का ये ट्वीट महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उनकी नई जंग की शुरुआत है, और इस जंग में कंगना को महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक के सियासतदानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कंगना रनौत जी के साथ जिस तरह का सलूक, जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो निंदनीय है। उसकी हम निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, और उनको बहुत सारे मामलों में उलझाने की साजिश के तहत फंसाने की जो सरकार की उस प्रकार की योजना है। कंगना रनौत मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में जो भी बातें कह रही हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है वो बहुत ही गलत है। इसका मतलब शिवसेना एक 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 प्रतिशोध की भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है, यह एक गलत है। सत्तारूढ़ दल को इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हालांकि शिवसेना भी फिलहाल चुप बैठने के मूड में नजर नहीं आ रही। शिवसेना ने अब कंगना के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। मुंबई में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। उद्धव ठाकरे पर दिए गए बयान को लेकर केस दर्ज कराया गया है। शिवसेना ने शिकायत में सीएम उद्धव ठाकरे को बदनाम करने का आरोप लगाया है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कंगना के दफ्तर पर बीएमसी के एक्शन से उनकी पार्टी या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते। संजय राउत भले ही इस मुद्दे से महाराष्ट्र सरकार का पल्ला झाड़ रहे हैं, मगर इतना साफ है कि पहले गाली और फिर बीएमसी के जरिए कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाकर शिवसेना चौतरफा घिर गई है, जिसके बाद शिवसेना के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन।